हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रमज़ान स्पेशल सीरीज़। नेक्स्ट रेसिपी है चीज़ी चिकन कॉर्न रोल्स। रेसिपी बनाने के लिए हमें जो पाउडर्ड स्पाइसेस लगेंगे वो नोट कर लीजिए। 4 लहसुन की कलियाँ, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 पुदीने के पत्ते, 1 हरी मिर्ची, 4 बादाम, भुना कुटा ज़ीरा 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, हरी इलायची का पाउडर 1/4 चम्मच, काला मिर्ची का पाउडर 1 चम्मच, कसूरी मेथी 1/2 चम्मच और टेस्ट के हिसाब से नमक। इन सारे मसालों को थोड़ा सा पानी लेके अच्छे से पीस के एक फाइन पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए हमें 200 ग्राम्स बोनलेस चिकन चाहिए, बारीक छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। जो पेस्ट हमने बनाया था वो पेस्ट बोनलेस चिकन में ऐड कर ले। 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर ले और 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम या घर की मलाई ऐड कर ले। इसको अच्छे से मिक्स कर ले और इसे 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दे। जब चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए तब एक पैन ले, उसमें 1 चम्मच तेल डाले और मैरिनेट किया हुआ चिकन डाले और इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून ले, जब तक कि चिकन अच्छे से पक ना जाए। चिकन के बहुत ही छोटे टुकड़े किए हुए तो ये बहुत ही जल्दी पक जाएगा। जब चिकन पक जाए तो उसमें एक बारीक कटी हुई छोटी प्याज ऐड कर ले, 1/2 शिमला मिर्ची ऐड कर ले, टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्ची ऐड कर ले। यहाँ पर मैंने 1 हरी मिर्ची ऐड की और 2 टेबलस्पून कॉर्न ऐड कर ले, भुट्टे के दाने ऐड कर ले। इसको अच्छे से मिक्स कर ले और फ्लेम बंद कर ले। जब स्टफिंग ठंडी हो जाए उसके बाद उसमें 1/2 कप के करीब चीज़ ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ की है, आप चाहे तो प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो चीज़ होगी वो आप इसमें ऐड कर ले। चीज़ की क्वांटिटी भी आप आपके पसंद के हिसाब से रख सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब ब्रेड के स्लाइसेस लेना है, उसके साइड्स कट कर लेने हैं और उसे अच्छे से रोल करना है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्रेड जो है आपको फ्रेश लेने हैं। अगर ब्रेड पुराना होगा तो वो उतने अच्छे से रोल नहीं होगा। अब इसमें एल शेप में इसमें मैदे की स्लरी बनानी है और उसके अंदर स्टफिंग भरनी है और उसको बताए हुए तरीके से फोल्ड करना है और सारे कोन्स बना के रेडी करने हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैदे की स्लरी बनाने के लिए मैं 1 चम्मच मैदा ले, या जितना आपको मैदा रिक्वायर होगा उतना मैदा ले, उसमें थोड़ा सा पानी डाले, उसको मिक्स करे और वो स्लरी बना के रेडी कर ले। बताए हुए तरीके से फोल्ड कर ले और कोन्स बना करके रेडी कर ले। जब सारे कोन्स बन के रेडी हो जाए उसके बाद ये कोन्स को फेटे हुए अंडे के बैटर में डिप करना है, अच्छे से डिप करना है और फिर उसके बाद उसको ब्रेड क्रम्स में रोल कर लेना है। इसी तरीके से सारे कोन्स बना करके रेडी कर लें। जो स्टफिंग की क्वांटिटी मैंने बताई है उसमें आप 12 से 14 कोन बना करके रेडी कर सकते हो। ये डिफरेंट एंड डिलीशियस स्टफिंग ज़रूर बनाएं, ये कोन रोल ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। अब गरम तेल में अच्छे से कोन्स को फ्राई कर ले और इसी के साथ चीज़ी चिकन कोन रोल्स बन के तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।